यह कहानी गांव के एक गरीब सीधे साधे खूबसूरत लड़के की, जिसके पास परिवार में उनके माँ बाप भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव में ही एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की काफ़ी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उनका जीना मुश्किल हो गया। उस लड़के ने लड़की को मन ही मन में अपना बनाने की सोच लिया। वह लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता, मगर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि कई बार इनकार न कर दे या उससे नाराज ना हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वे अपने प्यार का इजहार ना कर सके। बस जहाँ रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोच पर उनकी अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नियम से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालात बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। पैसे कमाने के लिए शहर को चला गया, लेकिन वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की यादों में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उनका दिल ऐसा उठा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है क्या कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी सारी खुशियां सारी दुनिया की उजड़ गई है। लेकिन वह क्या करे, एक तरफ प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फर्ज था, और दूसरी तरफ कि उसने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था। इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त उसके पास और भी कई सारी मजबूरियां थी, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने महबूब को जीवन भर सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशियों के लिए अपने परिवार की कुर्बानी देने ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर कभी भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए। उस लड़के की भी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और वह अपनी जिंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से
इतना प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज उसके सपनों में आती है और वह फुट फुट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक शख्स है जिससे अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़की को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं। मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे से उसे किसी इजाज़त नहीं देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा।